नमस्कार, मैं भाग्यश्री डोंगे विकिब न्यूज की प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विजय वडेट्टीवार ने बढ़ते कोरोना पर दी प्रतिक्रिया, कोरोना 5 दिनों में ठीक होगा, ऐसी विजय वडेट्टीवार की राय। एटीएस ने तीस्ता सित्तलवाड़ को हिरासत में लिया, गुजरात की छवि खराब करने का लगाया है आरोप। और राम गोपाल वर्मा के फिर बिगड़े बोल, एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार को लेकर की विवादित टिप्पणी। विस्तार से विजय वडेट्टीवार ने माध्यमों के सामने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोरोना बढ़ रहा है, सब अपना ध्यान रखें और मास्क पहने, मीडिया को यह मुखौटा पहनना चाहिए, अब कोरोना इतना तीव्र नहीं है, कोरोना 5 दिनों में ठीक हो जाएगा, इसलिए सीएम 5 दिन के बाद बाहर आए, उन्होंने मास्क भी पहन रखा था, बढ़ते कोरोना में ध्यान रखने की अपील भी वडेट्टीवार ने की है। सगळ्यांनाच माहित आहे 5 दिवसांमध्ये कोरोना संपतो, त्यामुळे 5व्या दिवशी ते बाहेर आले, त्यांना झालेली टेस्ट जी होती ती 2 दिवसापूर्वीची होती, आल्यानंतर माहीत झालं झालेली होती आणि मास्क घातलाच होता त्यांनी। आता काही गोष्टी करतात की ऑनलाईनच बऱ्याच गोष्टी बऱ्याच संबोधन त्यांचं सुरू आहे, प्रत्यक्ष काही लोकांचं काही आदर जात नाही, ठीक आहे, म्हणजे सरकारचं उल्लंघन वगैरे आपलं समजून चुकीचं आहे, पण सगळी काळजी महाराष्ट्राची काळजी असते, कोणी मुख्यमंत्री त्यांना तर काळजी आहेच, आपण त्याचा घेत असतो। भारतीय रिझर्व्ह बँक ने एक सरकारी बँक पर शिकंजा कसाय, केंद्रीय रिझर्व्ह बँक ने सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बँक पर 57.5 लाख रुपए का भारी जुर्माना ठोका है। आरबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई कुछ मानदंडों और धोखाधड़ी से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर की गई है। आरबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार मार्च 2020 के अंत में अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के वैधानिक निरीक्षण और रिपोर्टों में त्रुटियां मिली है, जिसकी जांच के आधार पर यह जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि इंडियन ओवरसीज बैंक पता लगाने की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर एटीएम कार्ड क्लोनिंग स्कीमिंग से जुड़े धोखाधड़ी के कुछ मामलों की जानकारी देने में सफल नहीं रहा था, जिसके बाद आरबीआई ने यह सख्ती दिखाई है। मुंबई में आज मंत्री बालासाहेब थोरात द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इस वक्त उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बैठक आज हुई थी, जिसमें आज के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। हम अभी भी एक सरकार के रूप में काम कर रहे हैं, फिलहाल कानूनी लड़ाई जारी है, लेकिन महाविकास आघाड़ी की कानूनी टीम भी काम कर रही है, ऐसी जानकारी बालासाहेब थोरात ने प्रसार माध्यमों को दी। हमारे मिनिस्टर्स और प्रमुख हम बैठे थे और हमने जो स्थिति है आज की उस पर विचार विनिमय आज हमने किया है। हमारा सरकारी जो सरकार है, हम महाविकास आघाड़ी का सरकार, उस पर हम काम कर रहे हैं। जो सिचुएशन पॉलिटिकल है वो है, उस पर भी हमारे लोग काम कर रहे हैं और उसके साथ जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने स्टेट के, उस पर भी काम हम कर रहे हैं और सरकार ये काम कर रही है, आगे भी काम करती रहेगी, महाविकास आघाड़ी का सरकार काम करता रहेगा। गुजरात एटीएस की टीम ने शनिवार को तीस्ता सित्तलवाड़ को हिरासत में ले लिया है। एक्टिविस्ट तीस्ता सित्तलवाड़ को उसने एनजीओ से जुड़े एक मामले को लेकर हिरासत में लिया गया है। गुजरात एटीएस की टीम ने मुंबई स्थित तीस्ता के आवास से उन्हें हिरासत में लेकर सांताक्रूज थाने पहुँची है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया था कि सित्तलवाड़ द्वारा संचालित एनजीओ ने गुजरात दंगों के बारे में आधारहीन जानकारी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के दंगों के एक मामले में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषमुक्त करने के खिलाफ दायर एक अपील को शुक्रवार को खारिज कर दिया। अमित शाह ने कहा था कि मैंने फैसले को बहुत ध्यान से पढ़ा है, फैसले में स्पष्ट रूप से तीस्ता सित्तलवाड़ के नाम का उल्लेख है, उनके द्वारा चलाए जा रहे एनजीओ, मुझे एनजीओ का नाम याद नहीं है, ने पुलिस को दंगों के बारे में आधारहीन जानकारी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिंसा में मारे गए कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी की अपील को खारिज करते हुए कहा था कि अपील में दम नहीं था। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने गुजरात दंगों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष जांच दल यानी एसआईटी की 2012 की क्लीन चीट को बरकरार रखते हुए कहा
कि मामले में सह याचिकाकर्ता शीतलवाड़ ने जकिया जाफरी की भावनाओं का शोषण किया। यह मामला उस घटना से संबंधित है जिसे गुलबर्ग सोसाइटी की घटना के रूप में जाना जाता है, जिसमें एक ट्रेन के डिब्बे में आग लगने से हुए दंगे में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 68 लोग मारे गए थे, जिसमें फरवरी 2002 में 59 तीर्थयात्री मारे गए थे। एक दशक बाद एसआईटी रिपोर्ट ने गुलबर्ग सोसाइटी मामले में अभियोजन योग्य सबूत नहीं का हवाला देते हुए नरेंद्र मोदी को दोषमुक्त कर दिया। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। के बाद आपका स्वागत। मुंबई में दीपाली सैयद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में आए और उद्धव साहब के सामने बैठकर फैसला ले। शिवसेना की कोई और पार्टी नहीं बन सकती, यह पार्टी सिर्फ बाला साहेब ठाकरे की है और इस पार्टी की वजह से सब बड़े हुए। यह एक परिवार है और इस परिवार के मुख्य व्यक्ति को छोड़ो मत, साथ मिलकर काम करें और सभी विधायक महाराष्ट्र में वापस आए। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सरकार तोड़ने के लिए कई सारी प्रक्रिया की गई है। आपलं सरकार टिकून ठेवण्यासाठी सुद्धा वरतून हे सरकार तोडावं म्हणून कितीतरी हे सगळ्या गोष्टी केल्या गेलेल्या आहेत, त्यामुळे तिथे पण किती जण आहेत किती जण नाही आहेत हे आपल्याला ठाऊक नाही आहे। त्यामुळे कितीही कोणी काही म्हणो किंवा कितीही काही म्हणो, ज्याचा ह्याचा एंड काय तो आहे ना, तो काहीतरी चांगलाच होईल। मी एवढंच सांगेन शिंदेसाहेबांना की शिंदेसाहेबांनी नेहमीच आपल्या कार्यकर्त्यांचा आवाज ऐकलेला आहे, त्यांच्यासाठी उभी राहिलेल्या आहेत। फक्त जे काही आहे, जर तुम्ही हे शिवसैनिकांच्या भल्यासाठी काहीतरी करत असाल तर तुम्ही पुन्हा या इकडे आणि साहेबांशी, उद्धव साहेबांशी एकदा समोरासमोर बसा, एकमेकांना हात 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 धरून पुढे काय असेल ते डिसिजन घ्या। तुम्ही तुटणं किंवा हा गट निर्माण करणं किंवा शिवसेनेच्या नावाने वेगळा शिवसेना पक्ष निर्माण करणं हे नाही होऊ शकत आणि हे होणार नाही, कारण शिवसेना हा शिवसेना पक्ष फक्त आणि फक्त बाळासाहेब ठाकरेंचा आहे। त्यांना धरून सगळेजण मोठे झालेले आहेत आणि हे कुटुंब एक आहे, त्या कुटुंबप्रमुखाला तोडू नका। फक्त तुम्ही परत या आणि
जे काही करायचंय, जे काही तुम्हाला स्थापना करायची, जे काही गोष्टी करायच्या ते इथे येऊन करा. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो यांनी के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेडे एक बार फिर चर्चा में. उन्होंने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि राज्य के आबकारी आयुक्त ने ठाणे के आबकारी कलेक्टर द्वारा नवी मुंबई के वाशी में उनके स्वामित्व वाले बार के लिए शराब लाइसेंस रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी अपील को खारिज कर दिया है. वानखेड़े का शराब लाइसेंस कथित तौर पर उनकी उम्र में हेराफेरी करने के आरोप में रद्द कर दिया गया था. उन्होंने ठाणे आबकारी कलेक्टर के आदेश को चुनौती देते हुए फरवरी में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. आबकारी विभाग के एक अधिकारी द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर आईपीसी की अन्य धाराओं के बीच शपथ धोखाधड़ी और जालसाजी के बारे में झूठी जानकारी देने के आरोप में ठाणे के कोपारी पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिन्होंने दावा किया था कि वानखेड़े ने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक वयस्क के रूप में खुद को पेश किया गया था. शुक्रवार को वानखेड़े के वकील विशाल थड़ानी ने न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एस एम मोदक की खंडपीठ से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, क्योंकि राज्य आबकारी आयुक्त के समक्ष उनकी अपील को 16 जून को खारिज कर दिया गया था. पीठ ने वानखेड़े को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और 16 जून के आदेश को चुनौती देने वाली नई याचिका दायर करने की छूट दी. सिनेमा जगत में कुछ लोग ऐसे हैं जो जब भी मुंह खोलते हैं तो बवाल ही मच जाता है. इस लिस्ट में बॉलीवुड फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा का भी नाम शामिल है. अपने विवादित बयानों की वजह से हमेशा लाइमलाइट में रहने वाले राम गोपाल वर्मा ने इस बार NDA की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक विवादित ट्वीट किया है. रामगोपाल वर्मा ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नाम पर कमेंट करते हुए ट्वीट किया, अगर द्रौपदी राष्ट्रपति है तो पांडव कौन है और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि कौरव कौन है. रामगोपाल वर्मा ने NDA राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार को लेकर ऐसी विवादित टिप्पणी कर दी है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. हालांकि इससे पहले भी कई बार फिल्म मेकर के बोल बिगड़ चुके हैं. रामगोपाल वर्मा ने जैसे ही ये ट्वीट किया तो सोशल मीडिया पर तहलका मच गया. हर किसी ने फिल्म मेकर को सोशल मीडिया पर आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया. वहीं बीजेपी नेताओं ने इस ट्वीट पर नाराजगी जताई. इसके साथ ही कुछ बीजेपी नेताओं ने इस ट्वीट पर आपत्ति जताते हुए हैदराबाद पुलिस स्टेशन में फिल्म मेकर के खिलाफ शिकायत की. पुलिस ने शिकायत को कानूनी सलाह के लिए भेजा है. उनका कहना है कि कानूनी सलाह मिलने के बाद इस पर शिकायत दर्ज करेंगे. शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे समेत 42 बागी विधायकों का बीड़ में अनोखे तरीके से निषेध किया गया. इस दौरान 42 शिवसैनिकों ने 42 विधायकों का मुंडन कराया और धरना दिया. बीड़ जिला संयोजक रतन गुजर के मार्गदर्शन में 42 शिवसैनिकों ने शिंदे ने विधायकों को अपने साथ ले जाने की वजह से उनका विरोध किया और सिर मुंडवा लिया. इस दौरान नाराज शिवसैनिकों ने एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के खिलाफ नारेबाजी. शिवसेना द्वारा धुले शहर में लगाए गए बैनर ने नागरिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस बैनर से उन्होंने उद्धव ठाकरे को समर्थन देते हुए अपनी भावनाएं भी व्यक्त की. महाराष्ट्र की सियासत में जो विवाद खड़ा हो गया है उसे देख आम शिवसैनिक व्यथित है. शिवसेना के धुले उप महानगर प्रमुख वफादार शिवसैनिक ने शहर के झांसीरानी चौक में एक बड़ा बैनर लगाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की है. महोदय, इस वर्ष भी पांडुरंग की आरती आपके हाथों में होगी. शिवसेना पार्टी प्रमुख ने उद्धव ठाकरे पर खुलकर यह कहते हुए विश्वास जताया है कि यह भविष्य में भी उद्धव ठाकरे के हाथों आरती जारी रहेगी. खास बात यह है कि यह बैनर सभी धूलेकरों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. यद्यपि राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार शिवसेना में विद्रोह के कारण अस्थिर हो गई है, वफादार शिवसैनिकों का दृढ़ विश्वास है कि सरकार खतरे में नहीं है. हर साल आषाढ़ी एकादशी की पूजा मुख्यमंत्री करते हैं, इसलिए इस साल भी विठुराया की आरती शिवसेना की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करेंगे. तो VKB न्यूज की प्राइम टाइम न्यूज में अब बस इतना ही. कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए VKB न्यूज. नमस्कार.